अब इससे पहले एक चीज देख लेते हैं। हम कहते हैं एवरी ईयर, छोटी सी एक बात बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बना के। एवरी ईयर क्या होता है? एवरी ईयर जितना प्रोडक्शन ऑफ आयरन होता है, 1/4 ऑफ आयरन गेट क्रूडेड, आयरन गेट क्रूडेड, 1/4 ऑफ आयरन गेट क्रूडेड एज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन, जितनी प्रोडक्शन होगी उसके लिहाज से 1/4 हिस्सा क्या हो जाता है, यानी आयरन ब्रेक हो जाता है, क्रूडेड हो जाता है यानी डैमेज हो जाता है। तो जितनी प्रोडक्शन हो रही होगी यानी जितना आयरन क्या होता है प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसका 1/4 पार्ट क्या हो रहा होगा, डैमेज भी हो रहा होता है। अब इस आयरन को क्रूडेड से बचाने के लिए, इस आयरन को क्रयन से बचाने के लिए कौन सी प्रिवेंशन की जाती है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हैं, जिनमें कौन कौन से हैं अब देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, कौन से मेथड किए जाते हैं प्रिवेंशन के लिए, अब हमने ये देखना है। विद टाइप ऑफ मेथड्स आर यूटिलाइज्ड टू प्रिवेंट द क्रियन प्रोसेस, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाएंगे क्रियन प्रोसेस को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। पहला सिंपल मेथड क्या होगा, पहला मेथड है टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द सराउंडिंग, टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, के सराउंडिंग मीडियम से हमने क्या करना है, मेटल को प्रोटेक्ट करना है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम से मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, दैट इज अ, यानी क्या किया जाएगा कि सराउंडिंग मीडियम से मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोटेक्ट करते हैं सराउंडिंग मीडियम से, ताकि सराउंडिंग मीडियम से ये क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। आफ्टर दैट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यानी क्या हो जाएगा, द मेटल इज क्या हो जाएगा कि मेटल मेटेलिक सरफेस, बल्कि यूं देखेंगे मेटेलिक सरफेस जो होगी दैट इज पेंटेड सरफेस और पेंटेड, उनको पेंट किया जाता है और डाइज रंग किया जाता है और वार्निश, वार्निश अप्लाई किया जाता है, यानी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके अप्लाई किए जाते हैं। एक हम तो कहते हैं कि सराउंडिंग मीडियम यानी वाटर से बचाना चाहिए, जहां वाटर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो उससे बचाना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि मेटेलिक सरफेस को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है पेंट के साथ, डाई के साथ या फिर किस चीज के साथ, वार्निश के साथ कोट किया जाता है, ताकि क्या किया जाए, कोट किया जाता है ताकि इसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। अब दूसरा क्या होगा, इट कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय अलॉइंग ऑफ मेटल, प्रोटेक्टेड बाय अलॉइंग ऑफ एटम, अलॉय फॉर्मेशन ऑफ मेटल, मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देंगे, अलॉय फॉर्मेशन देंगे, तो तब भी क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय द क्या हो जाएगा, कोटिंग ऑफ, कोटिंग ऑफ दोज मेटल विच कैन नॉट इजिली क्रूडेड, दोज मेटल विच कैन नॉट क्रूडेड आर इजिली क्रूडेड, उन मेटल से कोटिंग की जाएगी जिससे इजिली तौर पर क्रय ना हो सके, क्रूडेड ना हो सके, उन मेटल से क्या की जाती है, इसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब हमने कहा एवरी ईयर जितना आयरन क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसका 1/4 ऑफ आयरन क्या हो रहा होता है, यानी डैमेज भी हो रहा होता है और क्रूडेड भी हो रहा होता है, और हमने कहा उसको जंग भी लग जाता है। उसको बचाने के लिए डिफरेंट मेथड किए जाते हैं, जिनमें पहला मेथड क्या है कि मेटल को सराउंडिंग से क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा सराउंडिंग मीडियम से। दूसरा मेथड क्या है कि उसकी सरफेस को पेंट्स, वार्निश या रबर या यानी क्या हो जाएगा, उससे कोटिंग किया जाता है और अलाय फॉर्मेशन दी जाती है, और मेटल को क्या किया जाता है, क्रोयन से क्या किया जाता है, बचाने के लिए डिफरेंट ऐसी मेटल की कोटिंग की जाती है जिसकी डैमेजिंग ना करते हो, जो डैमेजिंग ना करते हो। नेक्स्ट, उसके बाद एक और पॉइंट भी है, ध्यान में रखिएगा, प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द, प्रोटेक्ट द मेटल्स
फ्रॉम, क्या हो जाएगा कि मेटल को क्या करने के लिए, यानी डैमेज या मेटल को क्या करने के लिए, यानी उसकी यानी डेंट होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम डेंट, मेटल को डेंट से बचाया जाए तो तब भी क्रोजन से क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है. डैमेज आर डेंटेड मेटल, गाड़ियों का जो डेंट जब पड़ जाता है तो उसको इजिली तौर पर क्रोजन होना स्टार्ट हो जाता है अगर उसके ऊपर प्रॉपर तौर पर पेंट ना किया जाए. तो इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर द डिफरेंट मेथड थ्रू वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द डैमेजिंग प्रोसेस. अब दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग भी है. टिन प्लेटिंग और कोटिंग ऑफ आयरन विद टिन. पहला काम है टिन प्लेटिंग. एग्जांपल है टिन प्लेटिंग. अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट क्रूडेड इजिली. व्हाई डज डैमेज, क्या हो जाएगा कि डैमेज टिन प्लेटेड आयरन यानी आयरन के ऊपर क्या होगा, प्लेटेड होगा, क्या हो जाएगा, क्रूडेड इजिली. वो इजिली तौर पर क्यों क्रूडेड होता है, उसको क्रयन इजिली तौर पर क्यों होता है, यानी अब डैमेज आयरन क्या हो जाएगा, प्लेटेड टिन. आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी गई, अब वो टिन क्या हुआ, डैमेज हुआ, उसकी वजह से क्रोजन क्या हो जाएगा, आयरन को इजिली हो जाएगा. वजह क्या है, आयरन को क्यों इजिली तौर पर क्या हो जाएगा, आयरन गेट क्रूडेड इजिली. यहां पे आयरन गेट क्रूडेड यानी आयरन क्रोजन के तौर पर इजिली तौर पर हो जाएगा. वजह क्या, पहले तो हम देखते हैं कोटिंग होती कैसे है, टिन कोटिंग. अब देखिए हम क्या लेते हैं, मोल्टन मेटल लेते हैं टिन. बीकर के अंदर हमने क्या लिए, टिन मेटल की मोल्टन फॉर्म ली, मोल्टन फॉर्म ऑफ टिन मेटल, मोल्टन टिन ली. अब मोल्टन टिन मेटल लेंगे, उसके अंदर हम डिप करेंगे अ शीट ऑफ आयरन. अ शीट ऑफ आयरन इज डिप इन द कोटिंग. टिन के अंदर आयरन की शीट क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, आयरन शीट इज डिप इन अ टिन, यानी क्या हो जाएगा, टिन के अंदर आयरन शीट क्या कर देंगे, डिप कर देंगे. आयरन शीट को क्या करेंगे, आयरन शीट, अब आयरन शीट को टिन के अंदर डिप कर देंगे. डिप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, निकालना है, आपने इसको निकालना है और इसको क्या करना है, रूलर में से पास करना है. That is passing from the ruler. कि इसे रूलर से क्या करेंगे, पास करेंगे. ये एक रूलर है, इसके साथ दूसरा रूलर क्या होता है, यहां पे मौजूद होता है, ये सेकेंड रूलर. अब ये दो रूलर इस तरह से, अब क्या करते हैं, इस टिन शीट को यहां पे देखिए, इस टिन शीट को जिसके ऊपर यानी क्या की गई, आयरन शीट जिसके ऊपर टिन की कोटिंग की गई, इसको इसके रूलर के दरमियान में क्या करेंगे, प्रेस किया जाता है. अब ये क्या किया जाता है, ये वाली शीट उठा के यहां पे क्या किया जाता है, रूलर्स के दरमियान में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है. देखें जैसे एक रूलर ये है, दूसरा रूलर ये है, अब ये शीट थी, अब इस शीट को इनके दरमियान में क्या किया गया, यानी प्रेस किया गया. क्या किया गया, शीट को प्रेस किया गया. तो व्हेन द आयरन शीट इज डिप इन द मोल्टन टिन, मोल्टन टिन के अंदर अगर आयरन शीट को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, एंड देन इट इज पासेस फ्रॉम द रूलर, के इसे क्या करेंगे, रूलर से गुजारेंगे, रूलर इसे क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, रूलर क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे. इस प्रेस से क्या होगा, इस प्रेस से क्या हो जाएगा कि टिन क्या हो जाएगा, टिन शीट की कोटिंग हो जाएगी, शीट कोटेड हो जाएगी एट आयरन, एट आयरन सरफेस, आयरन सरफेस के ऊपर टिन शीट क्या हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी, जिसे आप टिन पैक कह रहे होते हैं. टिन पैक जो बनते हैं वो इसी तरीके से क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्टन टिन लिया जाता है, मोल्टन टिन के अंदर क्या किया जाता है, आयरन शीट को डिप किया जाता है, और डिप करने के बाद क्या किया जाता है, उसे रूलर से पास करके प्रेस किया जाता है. इसकी प्रेसिंग की वजह से क्या होगा, इसकी प्रेसिंग की वजह से क्या होगा, टिन शीट जो होगी, कोटेड जो होगी, वो आयरन सर्फेस के ऊपर क्या हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी. दैट इज सेट टू बी द टिन कोटिंग. इसको क्या कहेंगे, टिन कोटिंग कहेंगे. अगर देखिए ये एक आयरन शीट थी, अब समझिएगा हम शीट को बना रहे हैं अलहदा करके, दिस वन इज द आयरन शीट,
This is a iron sheet. ये iron sheet थी जिसके ऊपर किस चीज की coating की गई, the coating of the molten tin. अब tin की coating की गई थी ये, इसके ऊपर क्या की गई, कोटिंग की गई किस चीज की, दैट इज द टिन, यानी क्या किया गया, टिन मेटल की क्या की गई, कोटिंग की गई इस तरह से कोटिंग. अगर ये कोटिंग कहीं से डैमेज, इधर देखिए, अगर ये कोटिंग कहीं से डैमेज हो गई, कोटिंग ब्रेक हो गई, अब ये डैमेज पार्ट थी कोटिंग का, समझिएगा, दैट इज अ डैमेज पार्ट, डैमेज पार्ट ऑफ कोटिंग. अब कोटिंग डैमेज हो गई, पहले क्या थी, आयरन शीट ली, देखें आयरन शीट को टिन मेटल के अंदर ढक किया, उसके बाद रूलर से पास किया, रूलर से पास करने के बाद उसको प्रेस किया, प्रेस करने से क्या हुआ, टिन शीट की कोटिंग हो गया ऑन द आयरन सरफेस. अब अगर हम कहते हैं कि इफ द, क्या हो जाएगा कि टिन मेटल, यानी क्या हो जाएगा, टिन इज अ डैमेज, द कोटिंग इज अ डैमेज. अगर कोटिंग क्या हो जाती है, किसी भी सरफेस से डैमेज हो जाती है, तो सुनेंगे, जब ये कोटिंग डैमेज होती है तो होता क्या है, अब आयरन और टिन को आप में कंपेयर करना है, दिस वन इज अ टिन एंड दिस वन इज अ ब्लैक कलर इज अ आयरन, ये क्या होगा, आयरन की शीट थी. अब क्या हो जाएगा, आयरन इज एक्टिंग एज द एनोड, कि आयरन किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे, एंड टिन इज एक्टिंग एज अ कैथोड, कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा इन गैल्वेनिक सेल, यानी आयरन कैथोड हैव द पॉजिटिव चार्ज, एनोड हैव द नेगेटिव चार्ज. अब ये जो सेल बन जाएगा ये गैल्वेनिक होगा, जब कोटिंग डैमेज होगी तो इस टाइप के सेल को क्या कहेंगे, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक सेल, कि इस सेल को क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल बन जाएगा. अब गैल्वेनिक सेल क्या है, देखिए ये मेटल की जब कोटिंग डैमेज हुई वाटर के साथ मौजूद है मॉइस्चर सरफेस पे, तो हुआ क्या, अब इधर देखिए, एट क्या हो जाएगा, आयरन यानी क्या हो जाएगा, एनोड, आप लोगों ने रिएक्शन लिखने हैं बुक में नहीं होंगे, एट एनोड क्या हो जाएगा, आयरन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फेरिक फॉर्म, कि आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में चेंज हो जाता है, फेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है. The iron have tendency to lose the electron and convert it into ferric form. कि iron electron lose करने के बाद किसमें चला जाएगा, ferric form में. इधर देखें, अगर ये दो metal iron के हैं तो ये दो और electron की तादाद क्या हो जाएगी, छह. Balance करने के लिए कर रहे हैं. अब क्या हो जाएगा, at cathode, water is always be present at cathode. अब वाटर को मैं इस तरह लिख रहा हूं, 6H एंड OH. अब क्या हो जाएगा, इस OH पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, ओवरऑल वाटर न्यूट्रल. अब क्या किया जाएगा, द इलेक्ट्रॉन विच इज रिलीज बाय द, क्या हो जाएगा, आयरन इज मूविंग टुवर्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स. देखिए एनोड से आप लोगों ने पहले पढ़ा था, याद हो, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के किसकी तरफ जाती है, अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड, द इलेक्ट्रॉन इज, यानी क्या हो जाएगा, मूविंग फ्रॉम एनोड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट पढ़ा था. अब क्या हो जाएगा, ये छह इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यानी हाइड्रोक्स, यानी हाइड्रोजन आयन गेन करेगा और ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा, 3H2 हाइड्रोजन गैस. अब क्या होगा, बाकी क्या रिएक्शन बनेगा, कि आयरन वहां पे 3 पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद थे, 2 ये बच गए और यहां से क्या बचे, 6 हाइड्रोक्सल. ये क्या करेंगे, 6 हाइड्रोक्सल के साथ मिलके क्या बना देंगे, FeOH ट्राइस के दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, FeOH ट्राइस के दो मॉलिक्यूल. ये FeOH ट्राइस क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा आयरन के अंदर, पेनिट्रेट इनटू आयरन शीट, आयरन शीट के अंदर ही पेनिट्रेट करता रहेगा आयरन शीट के अंदर, और उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, यानी डैमेज कर देगा. अब सुनेंगे, आयरन इटसेल्फ इतनी जल्दी कुरैया नहीं होती, आयरन को ध्यान में रखना, आयरन को इटसेल्फ इतनी जल्दी कुरैया नहीं होती, लेकिन अगर कोटिंग डैमेज हो जाए तो वो क्विकली तौर पर, इजिली तौर पर क्या हो जाता है, क्रूडेड हो जाता है. तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट क्रूडेड इजिली और क्विकली, वजह क्या, आपने ये कुछ भी नहीं लिखना, आपने यहां से करना है, इफ द कोटिंग ऑफ द, यानी क्या हो जाएगा, टिन ऑन द आयरन सरफेस इज गेट डैमेज, द टिन इज एक्टिंग एज अ कैथोड हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड एनोड, यानी आयरन इज एक्टिंग एज एनोड हैव नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म अ गैल्वेनिक सेल. क्या हो जाएगा, एट एनोड द आयरन मेटल हैव टेंडेंसी, आयरन क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी कर सकता है एज कंपेयर टू टिन.
आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्या बनाया, आयरन आयन बना दिया। फिर कैथोड पे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन गया, वाटर मौजूद था, वाटर ने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन ने गेन किए। टिन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, इस वजह से हाइड्रोजन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आयरन ये बचा, यहां से हाइड्रोक्सलाइन आपस में रिएक्ट करने के बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड की वजह से इजिली तौर पर पेनिट्रेट कर जाएगा और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, इजिली डैमेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि नॉन प्लेटेड आयरन कैन नॉट इजिली डैमेज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्लेटेड, के प्लेटेड फॉर्म में जब आयरन होगा वो ज्यादा इजिली तौर पर क्या हो जाएगा, डैमेज होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन प्लेटेड आयरन शीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग थ्रू और क्या हो जाएगा कि अंडर व्हाट कंडीशन, या हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। गैल्वेनाइजिंग, अब है आपके पास गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज अ गैल्वेनाइजिंग, पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद गैल्वेनाइजिंग कैसे अप्लाई किया जाता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। गैल्वेनाइजिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द क्या हो जाएगा, क्रोयर, यानी हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द क्रोयर। गैल्वेनाइजिंग क्या है, बाय डिपिंग द आयरन, यानी शीट को क्या किया जाएगा, डिप किया जाएगा, ये हमने क्या करना है, देखना है, और ये किस तरह का ये प्रोसेस होगा इसको भी हम क्या करेंगे, देखते हैं। गैल्वेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ, the process of coating of zinc, the process of coating of zinc on the iron surface, on the iron sheet, this is said to be the galvanizing, zinc ki coating ko galvanizing kaha jata hai, the coating of the zinc is said to be the galvanizing। अब द कोटिंग ऑफ द जिंक इज एक्टिंग एज क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग। अब सुनेंगे गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस, अब प्रोसेस कैसे किया जाता है, प्रोसेस पढ़ते, हाउ दिस प्रोसेस कैन बी टेक प्लेस, गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है। अब पहले क्या लेते हैं, आप जिंक क्लोराइड का देखिए, आपने क्या लेना है, एक बीकर लेना है और उसके अंदर जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी क्या लेना है, सॉल्यूशन जिंक क्लोराइड की मोल्टन फॉर्म ले लेनी है, सॉल्यूशन फॉर्म। यहां पे क्या मौजूद है, दैट इज अ जिंक क्लोराइड। क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक अ बीकर, देन वी प्लेस अ जिंक क्लोराइड इन इट, हम क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड उसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, एंड देन डिप अ शीट ऑफ आयरन इन इट, ये आयरन शीट थी, and dip a sheet of iron, iron sheet को क्या करेंगे, dip करेंगे। First of all, we took a, क्या लेंगे हम इसके अंदर, हमने कहा कि इसके बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हमने क्या लिया, यानी बीकर के अंदर जिंक क्लोराइड ले लिया, जिंक क्लोराइड लेने के बाद हमने उसको क्या किया, आयरन शीट को लिया और जिंक क्लोराइड की उसके अंदर क्या किया, डिप किया, और डिप करने के बाद देन क्या करेंगे, इट इज पासेस फ्रॉम द रूलर, यानी इसको किससे गुजारेंगे, रूलर से क्या करेंगे, गुजारेंगे, इट इज प्रोसेस फ्रॉम द रूलर। अब रूलर क्या कर देगा, उसकी कोटिंग कर देगा, रूलर इज यूज टू, यानी क्या करेगा, काज द कोटिंग, और क्या हो जाएगा कि उसको उसके साथ क्या कर देगा, शीट के ऊपर कोट कर देगा, उसको क्या कर देगा, उसके साथ यानी लगा देगा। सेम इसी तरह से ये आयरन शीट थी, इस आयरन शीट के ऊपर यानी आयरन विद क्या था, जिंक क्लोराइड, यानी जिंक मौजूद था। अब जिंक की कोटिंग होगी किस चीज के ऊपर, आयरन के ऊपर। अब रूलर से पास करेंगे, रूलर क्या कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे, रूलर क्या करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे, रूलर इसको क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। अब इसके प्रेस से क्या हो जाएगा, इसके प्रेस से ये होगा कि आयरन, जो आयरन की शीट थी, उस आयरन की शीट के ऊपर किस चीज की कोटिंग हो जाएगी, उस आयरन की शीट के ऊपर अब जिंक की क्या हो जाएगी, कोटिंग होगी। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं।
आयरन के ऊपर क्या किया गया, जिंक की कोटिंग की गई। आयरन के ऊपर क्या किया गया, जिंक की कोटिंग की गई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजिंग। कैसे किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक क्लोराइड का क्या किया गया, जिंक क्लोराइड लिया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके अंदर आयरन शीट को डिप किया जाएगा। डिप करने के बाद क्या किया गया, इट इज पासेस फ्रॉम द रूलर, के रूलर से पास किया जाएगा। एंड देन प्रेस किया जाएगा, प्रेस से क्या हो जाएगा, जिंक शीट उसके ऊपर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, दैट इज सेट टू बी द गैल्वेनाइजिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। अब हुआ क्या, डैमेजिंग ऑफ कोटिंग। जब कोटिंग डैमेज हुई तब क्या होगा, अब देखिए, इफ द कोटिंग इज गेट डैमेज, अब देखिए इसको हम यूं समझते हैं, ये हमारे पास आयरन शीट थी, अब मैं उसको व्हाइट करके लिख रहा हूं, ये हमारे पास आयरन शीट है। इस आयरन शीट के ऊपर किस चीज की कोटिंग थी, दैट इज अ जिंक। जिंक की क्या थी, कोटिंग थी। द आयरन शीट हैव द कोटिंग ऑफ अ जिंक मेटल, कि इस आयरन शीट के ऊपर जिंक मेटल की क्या थी, कोटिंग थी। इफ द कोटिंग इज गेट डैमेज, इफ द कोटिंग इज गेट डैमेज, अगर ये कोटिंग कहीं से डैमेज हो जाए, अब अगर ये कोटिंग यहां से क्या हो गई, डैमेज हो गई। इफ द कोटिंग इज गेट डैमेज, ये डैमेज कोटिंग हुई, डैमेजिंग ऑफ कोटिंग। अब कोटिंग क्या होगी, डैमेज हो गई। अब आयरन के ऊपर किस चीज की शीट चढ़ाई थी, आयरन के ऊपर किस चीज की शीट थी, दैट इज द जिंक की क्या थी, शीट थी। अब क्या हुआ, जिंक जब क्या हुआ, डैमेज हो गई, कोटिंग जब हमने क्या की, यानी उतार दिया, कोटिंग कहीं से डैमेज हो गई, अब क्या हो जाएगा, अगेन गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। जब कोटिंग डैमेज हुई तो ध्यान में रखना, गैल्वेनिक सेल बनता है, गैल्वेनिक सेल। अब सुनेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कोटिंग की जाती है, जब कोटिंग यानी क्या किया जाएगा, कोटिंग का प्रोसेस किया जाएगा, उस वक्त इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग कोटिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज, नोट बना के लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग कोटिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज, कोटिंग के दौरान इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया जाएगा। डैमेजिंग ऑफ कोटिंग प्रोड्यूस, डैमेज ऑफ कोटिंग प्रोड्यूस गैल्वेनिक सेल, डैमेज ऑफ कोटिंग गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस करेगा। कोटिंग करना इलेक्ट्रोलिटिक सेल से होगी, और कोटिंग का डैमेज होने के बाद कौन सा सेल बनेगा, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब होगा क्या, दोनों में देखते हैं एनोड कौन सा होगा। देखिए आयरन क्या हो जाएगा, लेस, अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, लेकिन अगर किसको देखा जाए, जिंक को, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है। इट मीन द जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, कि जिंक किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड, एंड द आयरन इज एक्टिंग एज क्या करेगा, आयरन इज एक्टिंग एज अ कैथोड। अब एनोड किस चीज का है, जिंक का। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट एनोड जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ जिंक आयन, जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ जिंक आयन। जिंक क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, एनोड इज अ नेगेटिव चार्ज इन द गैल्वेनिक सेल, जिंक मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू जिंक आयन। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, अट्रैक्टेड टुवर्ड द, किसके ऊपर, दैट इज अ कैथोड। अब एट कैथोड वाटर मौजूद होगा, कैथोड आयरन है, जहां पे वाटर क्या होगा मौजूद होगा, H2O क्या होगा मौजूद होगा, दो मॉलिक्यूल H2O के, ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सुनेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। क्यों, आयरन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाइड्रोजन क्या है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, बाकी क्या बचेगा, Zn 2 प्लस आयन, प्लस क्या बनेगा, OH नेगेटिव दो आयन बचे, इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, ZnOH ट्वाइस बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिंक मेटल डैमेज हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, मेटल डैमेज। अब आयरन क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया,
आयरन क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, और जिंक क्या हो गई, डैमेज। यानी ड्यूरिंग टिन कोटिंग, टिन कोटिंग के दौरान आयरन ही क्या हो जाता है कि उसके दौरान हमने का क्या हो जाता है, इसको जंग लग जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग, आयरन प्रोटेक्ट रहेगा, जिंक क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। वजह क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज गेट डैमेज इजीली एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आयरन।